हेलो, गुड म८र्निंग दोस्तों। 7 अप्रैल 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज का जो आर्टिकल आया हुआ है पोषण अभियान के बारे में, तो देख लेते हैं कि क्या है पोषण अभियान। देखो, पोषण का मतलब होता है एक्चुअली जिसे खाने पीने से जो चीज़ें संबंधित होती हैं वो होती है पोषण की, हम कैसे डाइट वगैरह ले रहे हैं। तो ये वो अभियान है, ये एक्चुअली इंटरनेशनल वुमेन डे था 8 मार्च को, उस दिन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च हो किया गया था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसी के साथ इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि यह मेनली जो महिलाओं और जो चिल्ड्रंस हैं उनकी जो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए चलाया गया था। मतलब हमारे देश में आपको पता है कि माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कुपोषण की समस्या। तो गवर्नमेंट ने कुपोषण की समस्या से निजात पाने के लिए पोषण अभियान है वो चलाया था 8 मार्च को। अभी कंटेक्स्ट ये है कि इसको एक्चुअली इसका जो टारगेट वगैरह है वो डिसाइड किया गया है कि भाई हमें कैसे कैसे काम करना, यही हमारे टारगेट है वो रखे गए हैं। तो हम कुछ टारगेट की तरफ एक बार पॉइंट कर लेते फोकस कर लेते हैं कि कौन कौन से इसमें टारगेट रखे गए। जैसे इसमें टारगेट तो ये रखा गया है कि रिड्यूस स्टनिंग। स्टनिंग का मतलब ये होता है कि कई बार क्या होता है, बच्चों की जितनी एज होती है ना उसके अकॉर्डिंग उनकी हाइट नहीं होती है, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करने को बोलते हैं कि स्टंटिंग, कि भाई हमें जो स्टंटिंग है उसको कम करना है। मतलब हाइट है वो जितनी उम्र हो रही है बच्चे की उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट है वो बढ़नी चाहिए। इसके बाद में आती है अंडर न्यूट्रिशन, मतलब कुपोषण की जो समस्या आती है उसका पॉइंट यहाँ पे जिक्र है वो किया जाता है। इसके साथ ही बाद में आती है एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, खून की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो एनीमिया पे फोकस किया जाएगा। इसी के साथ की बात क्या होता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी वेट हो अंडर वेट होते हैं, मतलब उनका वेट काफ़ी कम होता है, तो उस चीज़ पे फोकस किया जाएगा ताकि वुमेन वगैरह को खाना वगैरह वो ढंग से सप्लाई किया जा सके और वो खाने की जो भी कमियाँ हैं उनको दूर कर सकें, और जिससे बच्चों की हेल्थ के ऊपर कोई भी निगेटिव इफेक्ट है वो ना पड़े। तो इन सब के लिए गवर्नमेंट ने पोषण अभियान है वो चलाया। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि चिल्ड्रंस और वुमेन दोनों के लिए अभियान है वो चलाया गया, क्यों, ताकि कुपोषण की समस्या को हमारे देश में खत्म किया जा सके। क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में कुपोषण और माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट इस दिशा में कदम उठा रही है। एक इसमें यह रखा गया कि देखो, जैसे कुछ डाटा दिया गया, खैर इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कि हमारे देश में देखा जाए तो जो स्टंटिंग की जो प्रॉब्लम है स्टंटिंग की वो एक्चुअली अभी है वो है 38.4% के आसपास। तो गवर्नमेंट चाहती है कि 2022 तक ये समस्या है वो 38.4 से घटा के 25% तक हम आ जाएं और फिर धीरे धीरे हम इसको और कम वो करना है। तो हम अब समझ गए होंगे कि इस स्कीम का क्या प्रावधान वगैरह है और जो टारगेट्स वगैरह है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब देखो, पूरे परसेंटेज वगैरह हमें याद रखने की जरूरत नहीं है कि स्टंटिंग कितनी परसेंट कम करनी है, माल न्यूट्रिशन की समस्या कितनी परसेंटेज कम करनी है, बट बस बेसिक जो फैक्ट है वो हम यहाँ पे समझ गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इंटरनेशनल एनर्जी फोरम के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि इंटरनेशनल एनर्जी फोरम IEF है वो एक्चुअली उसकी जो मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित होने वाली है और वो इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। मतलब साफ है कि IEF की मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस है वो इंडिया में आयोजित की जाने वाली है इस बार और न्यू दिल्ली में। ये सारा कंटेक्स्ट है। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं कि IEF क्या है। यह एक पॉलिटिकल और एक टेक्निकल लेवल का एक डायलॉग ग्रुप है। मतलब इसमें होगा क्या, इसमें पॉलिटिकल लेवल पे और जो टेक्निकल लेवल पे आपस में बातचीत वगैरह की जाएंगी और इस चीज़ पे फोकस किया जाएगा कि भाई हम एनर्जी के लिए जो भी समस्याएं आ रही हैं पूरे विश्व में उनसे कैसे निपट सकते हैं और एनर्जी का हमें किस तरीके से यूज़ करना है। मतलब मेनली इसमें फोकस किया जाएगा वो क्या जाएगा, ऑयल और गैस पे, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम जो एनर्जी है वो ऑयल और गैस से ही प्रोड्यूस की जाती है। तो इस चीज़ पर फोकस किया जाएगा कि भाई काम किस तरीके से करना है और हमें कैसे एनर्जी है उसको यूज़ करना है, कहाँ कहाँ हमें कौन कौन सी पॉलिसी वगैरह ये लेके आनी है ताकि हम जो फालतू की एनर्जी है उसको रिड्यूस कर सकें और जो एनर्जी हमें जरूरत है उसकी वहाँ पे हम डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल कर सकें। इसके साथ इसमें क्या होगा कि पॉलिसी और जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में डिसीजन वगैरह होंगे, भाई किस तरीके से हम पॉलिसी वगैरह और भी अच्छी बना सकते हैं ताकि एनर्जी है वो और भी प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज हो की जा सके। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए भी बातें हैं वो की जाएंगी। ये सारे काम यहाँ पे किए जाएंगे। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि नॉलेज और एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे शेयर किया जाएगा ताकि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैं, इंडिया भी इसमें ऑब्वियसली पार्टिसिपेट है वो कर रहा है, तो वो आपस में आप बातचीत करें कि हाँ भाई हम ऐसे स्टेप उठा रहे हैं, आप किस तरीके से स्टेप उठा रहे हो, वो सारी बातचीत इसमें होगी, एनर्जी से रिलेटेड है यह होगा। अब हम थोड़ा देखते हैं IEF के बारे में, इंटरनेशनल एनर्जी फोरम। यह एक इंटर गवर्नमेंटल अरेंजमेंट है जो कि 1991 में बनाया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इंटर गवर्नमेंटल एक अरेंजमेंट है जो कि 1991 में बनाया गया था, ना कि बहुत पहले, ज़्यादा पहले भी नहीं बना। बस ये कुछ बेसिक फैक्ट ध्यान होना चाहिए। कई बार UPSC पूछ लेती है कि क्या है 1990 से बना था, क्या है 1940 से उनसे पहले बनाया गया था ITC वगैरह, आज़ादी से पहले वगैरह। तो आपको इन चीज़ों की तरफ थोड़ा ध्यान है वो रखना है। और एक तरीके से इसके जो मेंबर हैं अभी तक इसके 72 कंट्रीज हैं वो मेंबर है। तो आपको 72 कंट्रीज के मेंबर हैं वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेन कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर हैं और एक्चुअली जो भी कंट्रीज की मेंबर हैं वो 90% एनर्जी सप्लाई है वो इसी के थ्रू होती है। मतलब जो कंट्रीज एनर्जी सप्लाई करती हैं वो इसका मेंबर है 90% वाली। आपको ऑयल और गैस को आपको बताया कि मैक्सिमम एनर्जी है वो इन्हीं से प्रोड्यूस है वो की जाती है।
और इसी के साथ यह वर्ल्ड की लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ एनर्जी मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस है वो होने वाली है, क्योंकि इसमें सारे जो मेन मेन कंट्री है वो शामिल हो गए हैं जो कि एनर्जी सप्लाई को कंट्रोल है, रेगुलेट है, वो करती हैं, तो ओबियसली लार्जेस्ट होनी ही है। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा है वो आया है BIS के बारे में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में। तो देख लेते हैं कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट तो कुछ इतना खास है भी नहीं, तो उसको हम डिस्कस ना करें तो ये बेहतर होगा। हम चलते हैं इस बॉडी की तरफ। BIS है वो एक्चुअली इसका काम ये कि हमारे देश में जो भी स्टैंडर्ड वगैरह बनाने होते हैं, जैसे क्राइटेरिया और जैसे कि ISI मार्क का होता है, वैसे ये स्टैंडर्ड वगैरह हैं वो तय करते हैं। मिनिस्ट्री कौन सी है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मिनिस्ट्री होती है यहाँ पे वो होती है कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपको ध्यान रखना है कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा ये सारे तामझाम है वो किए जाते हैं। इसको एक एक्ट के तहत बनाया गया था। कौन सा एक्ट है वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 के तहत इसका निर्माण है वो किया गया था। काम जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया में जो भी स्टैंडर्ड वगैरह बनाने होते हैं, जो भी क्राइटेरिया पैमाने वगैरह बनाने होते हैं फूड वगैरह से रिलेटेड हो या फिर और भी कोई प्रोडक्ट वगैरह के संबंधित स्टैंडर्ड, मतलब मैं एक तरीके से पैमाने तय करने हो, उन सब का काम किया जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। तो काम बेसिक हमने डेल था, मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है मिनिस्ट्री के ऊपर ही कि मिनिस्ट्री कौन सी, क्योंकि वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो सकते हो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री है, कौन सी फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह। तो ये आप यहाँ पे देखना कि कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आते हैं। 1986 में इसका निर्माण है वो किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है NIIF के बारे में, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और इसी के साथ आया है ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड के बारे में। तो इन दोनों के बारे में क्या है वो हम यहाँ पे अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हम ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड है वो देख लेते हैं क्या है GGEF के बारे में। यह एक्चुअली एक इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म है ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड। इसका काम क्या होता है, इस फंड का काम ये होता है कि यह वही इन्वेस्टमेंट करता है जहाँ पे एक्चुअली रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में जरूरत हो, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी जहाँ पे जनरेट की जा रही हो उन्हीं प्रोजेक्ट में ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड है उसका पैसा इन्वेस्ट वो किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात इसकी है कि एक जॉइंट वेंचर प्रोग्राम है जो कि इंडिया का एक फंड है जिसका नाम है NIIF, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ UK की गवर्नमेंट है दोनों ने मिलकर बनाया था। तो ये ध्यान रखना है कि ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड है वो NIIF और UK की गवर्नमेंट है, उन दोनों का एक जॉइंट वेंचर प्रोग्राम है। ये चीज़ हमें आप कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं करनी है। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है नाम से ही पता चलता है कि ग्रीन है, मतलब ओब्वियसली रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी प्रोजेक्ट वगैरह हैं वहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट है वो करने वाला है। तो ये थी इसके बारे में न्यूज़। अब हम देखते हैं NIIF के बारे में, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। यह एक्चुअली गवर्नमेंट का फंड है क्या, एक तरीके से एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं उनमें इन्वेस्ट है वो करता है, जैसे कि एनर्जी हुआ या फिर ट्रांसपोर्टेशन हुआ, हाउसिंग हुआ या फिर वाटर हुआ या फिर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हुआ, उन सब प्रोजेक्ट में पैसा है वो इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फंड है। अभी इसकी जो लिमिट है वो है एक्चुअली 40,000 करोड़, और इस पर इस बार UPSC ने क्वेश्चन भी पूछा था कि इसकी लिमिट है वो क्या 4,00,000 करोड़ है वगैरह ITC वगैरह, तो हमें ध्यान भी होना चाहिए था। UPSC ने इसे 2017 में इसके ऊपर क्वेश्चन से वो पूछा था कि क्या है नीति आयोग के अंतर्गत आता है, तो जी ये नीति आयोग के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इसमें एक ये प्रावधान है कि जो 49% जो पैसा होगा वो तो देगा NIIF किसी प्रोजेक्ट के लिए, इसके बाद में होगा जो 51% जो पैसा होगा वो जो भी थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट लाना चाहती है वो या तो कहीं से सोन बोल्ड की हेल्प से पैसा कलेक्ट करेगी या फिर इधर दूसरे मेथड से पैसा है वो कलेक्ट करने वाली है। मतलब गवर्नमेंट इसमें 49% पैसा देगी, इसके बाद में बाकी जो पैसा है वो तो थर्ड पार्टी जो प्रोजेक्ट लाने वाली है वो पैसा है वो इन्वेस्ट करने वाली है। तो ये कुछ बेसिक न्यूज़ थी। जो NIIF है वो पैसा कहाँ देता है, वो पैसा देता है ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड को भी देता है। ऐसा नहीं कि केवल ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड को ही देता है, मतलब ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड है वो केवल रिन्यूएबल एनर्जी में ही फोकस करता है प्रोजेक्ट में, और यह NIIF और UK की गवर्नमेंट है, मतलब यूनाइटेड किंगडम की जो गवर्नमेंट है उन दोनों के द्वारा मिलकर इसकी स्टार्टिंग है वो की गई। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। इस पर UPSC GGEF के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है गगन शक्ति 2018 एक्सरसाइज के बारे में। तो यह एक्चुअली भी 8 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली एक्सरसाइज है, इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। तो ये हमें ध्यान रखनी है क्यों आयोजित की जा रही है, क्यों होस्ट की जा रही है। देखो एक्सरसाइज होस्ट करने का मेन मोटिव तो यह है कि भाई जो इफिशियंसी है वो चेक कर सकें कि हाँ भाई कैसे है, और जो भी कमियां उन सबको सामने लाया जाएगा कि अच्छा ये कमी है, हम यहाँ पे मॉनिटरिंग वगैरह में वो सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। इसके साथ ही ये देखा जाएगा भाई हमारी कैपेसिटी कैसी है, कहाँ कहाँ पीछे रह रहे हैं, कौन कौन सेक्टर में हमने अच्छा काम किया, वो सारे काम इसके द्वारा किए जाएंगे। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि पूरा रिविजन है वो हो रहा है यहाँ पे गगन शक्ति एक्सरसाइज के द्वारा। तो ये ध्यान रखना कि गगन शक्ति जो एक्सरसाइज है वो इंडियन एयरफोर्स रिलेटेड है। वैसे गगन का मतलब आप समझ गए होंगे कि आकाश या नभ होता है, तो ऑब्वियसली आकाश से रिलेटेड मतलब एयरफोर्स से संबंधित ही एक्सरसाइज है। बस ये ध्यान रखना है किसी दूसरी कंट्री के साथ नहीं, केवल इंडिया की एयरफोर्स है वही आपस में एक्सरसाइज इसको करने वाली है। इसके साथ ही आज जो एक
और आर्टिकल आया था उसमें एक्चुअली जो ओलिव जो रोडली टर्टल है उसके बारे में डिस्कस किया गया था। तो हम देख लेते हैं कि इंडिया में मेनली पांच है वो कछुए की प्रजातियां पाई जाती हैं और उस पर यूपीएससी क्वेश्चन वो पूछ सकती है। तो कौन कौन सी वो पांच प्रजातियां उनको हम देख लेते हैं और यूपीएससी इस पर क्या क्वेश्चन पूछ सकती है। देखो इसमें एक सबसे पहले आते होता है हॉक्स बिल जो कछुए की मतलब किसी बोलते टर्टल की जो प्रजाति है वो एक्चुअली क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हॉक्स बिल जो कछुए की प्रजाति है वो इंडिया में है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है वो है, एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है। इसके बाद में ग्रीन टर्टल है वो इंडेंजर्ड में आता है, इसके साथ ही लेदर बैग है वो वल्नरेबल लिस्ट में आता है और इसी के साथ लॉगर हेड है वो आता है वल्नरेबल लिस्ट में और जो ओलिव रेडली है वो भी आता है वल्नरेबल में। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हॉक्स बिल है वो ही केवल क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। यूपीएससी ऐसे घुमा फिरा के पूछ लेगी कि भाई नीम में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन सा, तो आप वहाँ पे ऑप्शन चार पांच ऑप्शन होंगे तो हमें ध्यान रखना कि ये हॉक्स बिल है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, बाकी देखो इतने नहीं है। ग्रीन टर्टल है वो इंडेंजर्ड में, बाकी तीनों है वो है वल्नरेबल में। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और ओलिव रेडली जो कछुआ है वो मेनली आपको बता कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे एक्चुअली काफ़ी पॉपुलर होते हैं क्योंकि उसी टाइम पे नेक्स्टिंग वगैरह करते हैं। अभी का जो कुछ टाइम था हमने इसके बारे में न्यूज़ पहले भी डिस्कस की थी तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था, हमने इसको एक बार डिस्कस है वो कर लिया है। तो ये थी हमारी डिस्कशन, अब हम चलते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो एक्चुअली मैप के बेस पे है और हमने इसे डिस्कस भी किया, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जो थाल घाट जो पास है ना, थाल घाट पास के बारे में आपको बताना है कि ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है। इसके बाद में अगला आता है भोर घाट और तीसरा आता है पाल घाट। तो मैं आपको तीन स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि थाल घाट पास है वो मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है, पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि भोर घाट जो पास है वो मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है और तीसरा है पाल घाट को। तो पाल घाट है वो एक्चुअली केरला को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से कनेक्ट है वो करता है, मतलब पल्लावडु से कोयम्बटूर तक कनेक्ट करता है। तो तीनों में से आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइज करके इसको वापस सुन सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि देखो मैं अभी अगर आपको आंसर बता दूंगा तो आप थोड़ा बहुत भी मैपिंग वगैरह नहीं देखोगे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा मैपिंग वगैरह पे फोकस कीजिएगा क्योंकि यूपीएससी मैप के बेस पे काफी सारे क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे पूछ लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गंगा की ट्रिब्यूटरी के बारे में, उनको आपको अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करना है, आपको अरेंज करना है ईस्ट टू वेस्ट आपको अरेंज करना है। ऑप्शन बता रहा हूँ, कोसी रिवर, सोन रिवर, गंडक रिवर और यमुना रिवर, इनको आपको गंगा की सहायक नदियों में ईस्ट टू वेस्ट है वो अरेंज करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी है एक्चुअली, बट यूपीएससी की बार इसने इजी क्वेश्चन भी पूछ लेती है कि पनामा नहर वो कौन कौन से पार्टों को जोड़ती है। पहला ऑप्शन है लाल सागर और भूमध्य सागर को, दूसरा ऑप्शन है कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को, और तीसरा ऑप्शन है मेक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को, चौथा है नन ऑफ दिस। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। पहला स्टेटमेंट है वो है लाल सागर और भूमध्य सागर को, दूसरा स्टेटमेंट है कि कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को, तीसरा ऑप्शन है मेक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, इसके आगे हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली आपको बताना है कि इंडस की ट्रिब्यूटरीज में बताना है कि इंडस की मतलब सिंधु रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है। पहला ऑप्शन है नुब्रा, दूसरा है द्रास DRAS और चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है वो है काबुल। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सी है या फिर तीनों ही नहीं है, या आपको बताना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड है या फर्स्ट सेकंड है सेकंड थर्ड वगैरह आपको बताना है। ऑप्शन वापस बता देता हूँ कि सिंधु की सहायक नदी बतानी है नुब्रा, द्रास, काबुल, इन तीनों में से कौन सी रिवर है या कौन सी नहीं है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। देखो अभी मैं अगर आपको आंसर बता दूंगा तो फिर आप इनके बारे में देखोगे नहीं, तो प्लीज़ आप एक बार मैप को जाके देखिएगा तभी आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि आप जब भी एक दो रिवर देखोगे वहाँ पे मैपिंग में तो आपको वहाँ पे एक दो पॉइंट और हैं वो सीखने को मिलेंगे। और अभी हमारा टाइम है वो एग्जाम का काफ़ी क्लोज आ गई है, एग्जाम में अभी सर पे आई गई है तो हमें पूरी प्रिपरेशन वो रखनी है। तो इसलिए आप एक बार मैपिंग को साथ साथ डिस्कस करते रहिएगा। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।